कहीं नहीं जाते, यही रुक जाते हैं मुराद। इसी समंदर के किनारे दुनिया बसाते हैं अपनी। यहाँ तो भूखे मर जाएंगे तुम। पहले तुम मुझे खाओगी और जब मैं खत्म हो जाऊंगी तो फिर खुद को खाओगी। मेरा मजाक मत उड़ाओ मुराद। बहरहाल अभी तो मैं कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ, और अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएंगे। हाँ, मालिक मकान पे डिपेंड करता है, अगर वो हमें यहाँ से ना निकाले तो। मुराद, क्या ये जगह किराए पे नहीं मिल सकती? पता नहीं, यहाँ करीबी मार्केट है, वहाँ जाकर पूछता हूँ। जल्दी आना। डोंट वरी। आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, तुम भी साथ चलती तो मजा आता। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? चलो यहां से मुराद। क्यों, तुम्हें तो ये बहुत पसंद आया था, तुमने खुद ही तो कहा था यहीं रहते हैं, यहीं दुनिया बसाते हैं। मैं परेशान हो गई हूँ, यहाँ तो चाय भी नहीं बना सकती हूँ। हाँ तो उसके लिए मैं सारा सामान लेकर तो आ गया हूँ। हयात, इधर देखो मेरी तरफ, क्या हुआ है बताओ। कुछ भी नहीं, तुम्हें देर हो गई थी इसीलिए। मेरी शहजादी। अच्छा बाबा, मैं आइंदा तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहां तक के सौदा लेने भी नहीं। हाँ एक बात और, हम यहाँ किराए पर रह सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? यहाँ के मालिक का नंबर मिल गया है, मैंने उसे फोन किया और उससे बात की है, उसने कहा है जितने दिन चाहे हम रह सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम दोनों यहीं रह लेते हैं। चलो नाश्ता कर लेते हैं, भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा। ओह।
यहाँ कितना सुकून है ना हयात। बहुत ज्यादा। न शोर, ना किसी की दखल अंदाजी, ना कोई कॉल, कुछ नहीं, सिर्फ तुम और मैं बस। पता है हयात मैं क्या सोच रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद ऐसी कोई जगह ले लेंगे दोनों। कह चुकी हूँ। या फिर मेरा ख्याल है हम लोग गांव भी जा सकते, वहां खेती बाड़ी करेंगे दोनों, क्या ख्याल है? वहां घोड़े पालेंगे, तुम्हें घोड़े पसंद है? वहां का नेचुरल एनवायरनमेंट हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बड़ा सा सहन होगा उस घर में जिसमें मेरे बहुत सारे बच्चे खेलेंगे। सबसे पहले मुझे ट्विंस चाहिए। ओके, क्या हुआ, तुम चुप क्यों बैठी हो? ट्विंस कम है क्या? चलो कोई बात नहीं, तुम बता दो, पांच सही हैं? क्या पांच? ओके, चार पे डन है, डन चार। ठीक है मुराद, मुझे बेटियां चाहिए। ओके। जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह हंसती हूँ। तुमने तो बताया नहीं कि तुम्हें कितनी बेटियां चाहिए। चलो ठीक है, दो सही। तुम्हें नींद आ रही है? तुम तो सच में सो गए थे। तुमने जो कुछ कहा मैंने सब सुना। झूठ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो कुछ बोलो। तुम तो सो रहे हो, सोए हुए आदमी से क्या बात करूं? ठीक है, तुम सो जाओ, उतनी देर में चुप बैठूंगी और बस तुम्हें देखती रहूंगी। ओह, ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि चंद सेकंड भी तुम्हारे लिए चुप बैठना मुश्किल बात है। अच्छा मजाक मत करो, बताओ ना क्या सुना था। तुम्हारी धड़कन की आवाज और तुम्हारी सांसें। हयात, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो लगता है मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। इतना सुकून मुझे कभी नहीं मिला। हाँ, मुझे याद है जब मैं मां की गोद में लेटता था, वो सुकून अब महसूस करता हूं मैं। एहसास है मुझे, इसीलिए कहता हूं तुम मेरा सब कुछ हो। तुमने मुझे हर वो शय दी जिसकी कमी थी। ये कैसी आवाज है? क्या, कैसी आवाज? सेलफोन की वाइब्रेशन लग रही है। लेकिन मुझे तो नहीं आ रही। तुम्हें क्यों नहीं सुनाई दे रही? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? वह मैं तुम्हारा मुराद, और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। चलो आ जाओ, लेट जाओ, और मोबाइल तो हमारे पास है ही नहीं। उठो जरा, मैं पानी पीकर आई। हयात, तुम इधर हो, मैं जवाब का मुंतजिर हूं। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? ठीक है, मैं बस देखना चाह रहा था कि तुम रिप्लाई करती हो या नहीं। अब जाओ और मजे करो। क्या कर रही हो हयात, जल्दी आ जाओ, नींद नहीं आ रही मुझे। ये क्यों पहन लिया, कहीं जा रही हो तुम? मुझे सांस नहीं आ रही, चलो कहीं बाहर चलते हैं। हयात, हुआ क्या है आखिर? क्या खाओगी? मुझे दुकानदार ने बताया था यहाँ करीबी एक रेस्टोरेंट है, चलो वहीं चल के कुछ खाते हैं। ये झूठ है, तुम्हारी चाल है जरूर। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ। मसलन हम मुराद की माँ से पूछ सकते हैं।
ये नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, नामुमकिन है। मैं भी ये सोचता हूँ नहीं हो सकता, लेकिन बेचारा मुराद और भी कई मुश्किलों में फंसा है। हयात क्या हुआ, तुम ठीक तो? अचानक क्या हुआ तुम्हें? तुम तो खुद बाहर आना चाहती थी ताजा हवा खाने। नहीं कुछ नहीं हुआ। हयात प्रॉब्लम क्या है बताओ मुझे। रोको कार। क्या हुआ? घबराहट सी हो रही है, ताजा हवा चाहिए। ओके रुको। ठीक तो हो ना? नहीं, हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। हो सकता है तुमने कुछ ऐसा वैसा खा लिया हो जिसकी वजह से तुम्हें इस वक्त घबराहट महसूस हो रही है। ऐसा कुछ नहीं, मैं अब ठीक हूँ। ताजा हवा में आ गई हूँ ना, थोड़ी देर बाद और ठीक हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर मैंने सच बता दिया तो मुराद को बहुत गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा कि मैं भी नहीं संभाल पाऊंगी, और अगर मैंने नहीं बताया तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ऐसे मैं कैसे जीऊंगी? हमने वादा किया था कि हमारे बीच कोई झूठ नहीं आएगा। या अल्लाह मेरी मदद करना, मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूंगी। हयात संभालो खुद को, आगे कहां जा रही थी, अभी तुम गिरने वाली थी। मैं ठीक हूं। नहीं तुम बिल्कुल ठीक नहीं, कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। हयात प्लीज तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे गले लगा लो प्लीज। हाँ क्यों नहीं, मैं सब बता दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मुराद से झूठ नहीं बोल सकती। बताती क्यों नहीं, क्या हुआ है? अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम सुनोगे? हाँ सुनूंगा। आई लव यू। हाँ बस यही कहना था क्या? अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद तुम कह सकती हो। अगर हम यहाँ 5 मिनट भी और रुके तो मैं भूख से मर जाऊंगी। हम खाना खाने जा रहे थे ना, चलो चलते हैं। ठीक है। अभी तो यहाँ के कबाब भी खाने तुम्हें। मुराद ने वैसे ही बहुत खा चुकी हूँ। हयात अगर ये जगह हम लोग खरीद लें, सोचो अगर ये जगह हमें मिल जाए तो तुम होटल चला सकती हो, और मुझे पता है कि तुम होटल बहुत अच्छी तरह चला सकती हो, फिर हमारा नाम भी हो जाएगा। सच में? ज्यादा आगे की मत सोचो, हमें यहां से जाना है। शुक्र है तुम मुस्कुराई तो सही, मैं तो समझ रहा था कि तुम मुझसे पहले दिन ही बेजार हो गई। कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया था ना, इसी वजह से हुआ ये सब। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं है, वरना मैं सोचता कि शायद तुम्हें कोई फोन आया है, वो भी नहीं है। हाँ नहीं है कोई मोबाइल। तो जब मोबाइल नहीं है तो फिर बात क्या है? डर गई थी मैं। किससे और क्यों, किससे डर गई थी मुझे बताओ। किसी से नहीं, ये जो इतनी खुश हूं ना इस बात से डर गई हूं। हयात इस डर को अपने दिल से निकाल दो, जब ये हाथ तुमने मेरे हाथ में दे दिया है तो तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। बेशक। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा किसने मुझे खौफजदा किया है जिंदगी में? हाँ मुझे मालूम है। तो बताओ मुझे। यही कि जब तुम अकेली होती हो मेरे बगैर। जी नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा तो फिर आप बताइए।
ये तुम्हारी पेशानी, जब इस पे बल आता है तब मैं खौफजदा होती हूँ। अच्छा अब एक सवाल तुम्हारे लिए। पूछे 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 मेरी जान, क्या सवाल है? मैं हमतन गोश हूँ। ये तुम्हारी पलकें असली हैं? क्योंकि किसी आदमी की इतनी घनी पलकें नहीं होती। हयात, अब तो देख लिया ना, अब तो आपने देख लिया ना कि मेरी पलकें कुदरती हैं और असली हैं। तुम्हें मना किया था इतना मत पियो। हाँ। लग रहा है हालात ठीक नहीं है, यहाँ से उठना चाहिए हमें अब। मुझे और बैठना है यहाँ। आज मैं यहाँ तब तक बैठूंगी जब तक ये होटल बंद नहीं हो जाता। बात सुनो, वो झूले वाला किस्सा बताया मैंने? वही जो मैं एक बार झूले से गिरी थी? जी नहीं, आपने नहीं बताया। अच्छा तो बता देती हूँ। मैं 5 साल की थी। हमारे बाबा ने गार्डन में झूला लगाया था। भाई और मैं दोनों झूलते थे। भाई मुझे झुलाते और मैं भाई को झुलाती, और मैं इतना जोर से धक्का देती कि भाई डर जाते। और आगे? और जब भाई झुलाते तो मैं उन्हें बोलती और जोर से भाई, और जोर से, और जोर से, और मैं ऊपर आसमान में उड़ जाती। हैं? मगर एक दिन झूले से गिर के मेरा सर फट गया। अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ तुम्हें? मेरा ख्वाब चकनाचूर हो गया और मेरे सर से खून बहने लगा। अच्छा ये तो आज पता चला, जो तुम उल्टी सीधी हरकतें करती हो उस चोट की वजह से। मजाक उड़ा रहे हो मेरा, मैं तुम्हें जिंदगी की तल्ख हकीकत बता रही हूँ। अच्छा मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे आज किसी झूले पर लेकर चलो मुराद। ठीक है, काम करते हैं, जब हम यहाँ से घर जाएंगे तो तुम्हारे लिए वहाँ मैं झूला लगा दूंगा। क्या वाकई? बिल्कुल, झूला भी लगाएंगे और वहाँ पे कुछ जानवर भी ले आएंगे। सच कह रहे हो ना? हाँ कसम से। हयात अब घर चलो, बहुत देर से सो रही हो। नहीं, रात भर यहीं सोने का इरादा है क्या? नहीं तो मुझे घर नहीं जाना। तो फिर मैं भी सो जाता हूँ। मुझे तुम्हारे बगैर बहुत डर लगता है। लेकिन अभी तो मैं तुम्हारे पास हूं ना। घर चलने का इरादा है या यहीं सो जाएं दोनों? मैं नहीं उठ सकती। इसका मतलब है मुझे ही मेहनत करनी होगी। चलो भाई, चलिए मैडम उठिए, या आपको गोद में उठाना पड़ेगा। संभालो खुद को। हयात एक मिनट सीधी खड़ी रहो तो मैं दरवाजा खोल लूं, मेहरबानी होगी आपकी। आप मेरा रास्ता छोड़ें, दरवाजा मैं खोलूंगी। क्या कहा तुमने? दरवाजा खोलूंगी मैं। मोहतरमा, दरवाजा खोलना है, तोड़ना नहीं है इसे। देखो क्या करती हूँ मैं, ऐसी किक मारूंगी ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। पागल हो, तुम्हें पता नहीं किराए का ये? हयात हयात, बस अच्छी दरवाजा है। ये तो मैंने बहुत प्यार से धक्का दिया था। हयात बस करो, 2 मिनट खड़ी हो, मैं दरवाजा खोल लूं प्लीज। और आइंदा तुमने अगर इतनी पीना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब पीने का मौका ही कहाँ मिलेगा? क्या हुआ, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब हम यहाँ कभी भी अकेले थोड़ी आ सकेंगे ऐसे। याद है टूअल ने क्या कहा था हमसे? टूअल ने कहा था छोटे छोटे बच्चों की प्लानिंग करो, लेकिन आपको तो पीने से फुर्सत नहीं है। जो आप उस बारे में सोचें, अब कैसी शर्म। चलिए अंदर आ जाइए मेरी शर्मीली दुल्हन, आइए आराम से।
मसला क्या है? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या हुआ? सुबह ही सुबह परेशान हो गई हैं? क्योंकि तुम्हारी आवाज सुन ली। मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग कहने के लिए कॉल की थी। तुम तो गुस्सा हो रही हो, मैं बता दूं ये अच्छा रवैया नहीं है मेरे साथ। और मैं जानता हूँ ये सब मुराद से सीखा है तुमने। ये कहने के लिए फोन किया है? नहीं, वो मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। दरअसल बहुत अच्छी खबर है, मुराद सर सलमान उनका वारिस नहीं, उन्हें धोखा दे रहा है। देखो, इतनी फजूल बातें करके मुझे भड़काने की कोशिश मत करो एमरे। हयात, ये बात तुम भी जानती हो कि झूठ नहीं है। और मैं दोबारा रिपोर्ट ले आया। और अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है तो देख सकती हो यहाँ आकर। नहीं, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अरे फोन नहीं काटना, एक और खबर तो सुन लो। मुराद की माँ लैला, वो इस वक्त हॉस्पिटल में दाखिल है। क्या? जी हाँ, तुम दोनों के पास मोबाइल नहीं है इसलिए मैंने फोन किया है तुम्हें। ये मुराद के लिए जरूरी खबर है। पागल हो गए हो? मैं मुराद को ये खबर कैसे बताऊंगी? वो मुझसे नहीं पूछेगा कि मुझे कैसे पता चला। हाँ ये बात तो है, मैंने बस अपना फर्ज पूरा किया। और मैं जानता हूँ तुम्हें मदद चाहिए होगी, तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। खबर देने का शुक्रिया। देखो फिर कह रहा हूँ मैं, मेरे साथ काम करने की हामी भर लो बस। और देखो फिर सोच लो एक बात, जब मुराद को पता चलेगा कि वो उस खानदान का नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा, और ऐसा तुम बिल्कुल नहीं चाहोगी, ये बात मैं जानता हूँ। बात समझो मेरी, एक्सेप्ट कर लो ऑफर। एक और मशवरा दूं मैं तुम्हें, तुम वापस आ जाओ जल्दी, क्योंकि मुराद की माँ बीमार है। बंद करो ये हनीमून का ड्रामा। जिंदगी में मोहब्बत और रोमांस के अलावा भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो क्या फैसला है तुम्हारा? अरे यार, अब मुझे और क्या करना चाहिए, हत्ता की किस्मत भी इन दोनों को तन्हा रहने की इजाजत ही नहीं दे रही। या अल्लाह, क्या करूंगी मैं। हयात, क्या कर रही हो? अंदर चलो, बहुत सर्दी है यहाँ। अंदर घबराहट हो रही थी इसलिए बाहर आ गई। सुबह कितनी खूबसूरत है। अच्छा चलो, अब चल के हम नाश्ता करते हैं, और फिर तुम मेडिसिन लेना, आराम करना, जल्द ठीक हो जाओगी। मेरा नाश्ते का मूड नहीं है अब। यहाँ मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा, लगता है मेरी तबीयत खराब है, हमें वापस चलना चाहिए। वापस चले? हाँ वापस चलो। क्यों, ये जगह पसंद नहीं आई तुम्हें? अगर ये जगह पसंद नहीं तो कहीं और भी जा सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ घर जाना चाहती हूँ मुराद। हम दोनों को यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हारा काम भी रुका हुआ होगा और मुझे घर वालों की भी बहुत याद आ रही है। तुम घर वालों की बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे पता है वो लोग बहुत खुश होंगे। मुराद, आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, हमें वापस जाना होगा। ओके तो चलते हैं। पैकिंग कर लेती हूँ मैं। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? हम घर नहीं जाएंगे जब तक तुम मुझे बात नहीं बताओगे। मुराद, हम घर चल के बात नहीं कर सकते। साफ लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो, कोई ना कोई मसला तो है। ये तो जानता हूँ कि ये सब कुछ अचानक हुआ, क्योंकि जैसा हमने सोचा था वैसा हमने एंजॉय नहीं किया। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी क्या गलती है? बस ऐसे ही थोड़ा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना मेरी गलती है ना ही तुम्हारी कोई गलती। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, बोलो। मुनासिब नहीं है ये वक्त, क्या हम घर चलें पहले? लेकिन कोई भी बात हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मुझे बताना जरूर। तो फिर चलें, देर हो रही। हौसला देने का शुक्रिया। मैं तुम्हारी और तुम मेरी हिम्मत हो, आखिरी दम तक। और या तुम मुझे ये बताओ कि ऊपर मुराद अपने कमरे में है? पता नहीं, आपको कुछ चाहिए? आपकी कॉफी का टाइम हो गया है। हाँ। मुराद,
मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। तुमने सुना नहीं, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, कुछ बताना है तुम्हें। हाँ, यहां से शुरू कर सकती हो तुम। मगर यह है क्या? आखिर ऐसा क्यों किया तुमने हयात? हाँ बोलो। मुराद, आराम से मेरी बात सुनो। इससे पहले मैंने ये बॉक्स कभी नहीं देखा और मुझे नहीं पता इसमें क्या है। और कितने राजों से पर्दा उठना बाकी है हयात? हाँ बहरहाल मुझे इससे क्या, लेकिन हाँ तुमने ड्रामा बहुत अच्छा किया। वाह, अब वो झूठ बताओ जो तुमने मुझसे बोला है। जल्दी बताओ, उसी झूठ की वजह से तुम आते हुए सारे रास्ते टेंशन में थी, सच है बोलो। हयात मुझे बताती क्यों नहीं कहां से आया ये? अब ऐसे मुझे क्या देख रही हो? हयात बताओ मुझे, ताकि मुझे सच का पता चल सके। सच सच बताओगी या उसके लिए भी कोई झूठी कहानी सोच रही हो मुझे सुनाने के लिए? कहानियां तो बहुत है। यस दारिया मैडम, नाश्ते के बर्तन ले जाऊं? औरिया, तुम इस घर में सारा दिन रहती हो, क्या चल रहा है ऊपर? मुराद बॉक्स की वजह से गुस्सा है? पता नहीं, झगड़े की वजह तो वही है दोनों में। दारिया मैडम, आपको उसके बारे में कैसे पता? अरे तुम्हें इससे क्या और मेरा उससे लेना देना क्या? तुम आप जवाब मांगोगी मुझसे? बेवकूफ, जाओ अपना काम करो। मुझसे पूछ रही है, हिम्मत तो देखो जरा। बेवकूफ होगी खुद, अपने आप को समझती क्या है? जरूर ये बॉक्स इसने ही रखा होगा और गुस्सा कर रही है मुझ पर। जब भी अपने घर पे चोरी करवा सकती है तो कुछ भी कर सकती है, खुदा बचाए ऐसी औरत से। तो अब तक तो कोई कहानी बना ली होगी तुमने, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? हाँ या बताना नहीं चाहती? हाँ पहले तुम रिलैक्स हो जाओ। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे सच बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती। इस वक्त मेरा सच भी झूठ लगेगा। रुको रुको रुको, पहले बताओ। हाथ छोड़ पहले। आराम से बात करो। पहले तुम आराम से बात करो, फिर बताऊंगी। नहीं करूंगा आराम से। मुझे सच बताए बगैर तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, ये याद रखो। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस बॉक्स में क्या है। कितनी बार बोला है, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार हो तब ना? हाँ, तुम्हें अम्मी की बीमारी का पता था ना? या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं पागल हो जाऊंगी। मुराद, तुम ठंडे दिमाग से क्यों नहीं सोचते मैं सिर्फ तुम्हारी हयात हूँ? आंखें मत चुराओ मुझसे। ओ, तो इसीलिए तुम वहां से जल्दी लौटने की जिद कर रही थी, तुम्हें ये कैसे पता चला? हद होती है, इस वक्त तुमसे बात करना बेकार है। मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, समझे तुम? जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तब तक मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, समझे? हयात, मेरी बात सुनो। हयात, 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 मेरी बात सुनो। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन तुम जा कर रही हो। मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें इससे क्या? तुम मेरी बीवी हो, समझी तुम? मुझे बताए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। कैसे रोकोगे मुझे? हाँ तो क्या तुम मुझे अपने पास बांध के रखोगे? हाँ मुराद, मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ दो, वरना ये बात बहुत बिगड़ जाएगी। अच्छा सुनो, हम आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तुम कहीं नहीं जा रही। ओके, क्या हो रहा है यहाँ? इस वक्त तुम गुस्से में हो, मेरी कोई बात नहीं समझोगे। कोई बताएगा क्या हो रहा है? क्यों चीख चीख के तुम लोगों ने सारा घर सर पे उठा लिया है? कुछ नहीं दादी जान, बस ऐसे। क्या तुम्हें नहीं पता कि अंदर तुम्हारी माँ बीमार है? आराम से बैठ के बात नहीं कर सकते तुम लोग? तुम्हारा जो भी मसला है, मिल बैठ के हल करो इसको। मैं ऊपर जा रहा हूँ अम्मी को देखने, मेरे आने तक तुम कहीं नहीं जाओगी, मुझे बात करनी है तुमसे। हयात बेटा, कोट उतारो और बैठ जाओ। हेलो, क्या हुआ हयात? क्या तुमने फैसला बदल लिया? जल्दी से मुझे कोई अच्छी सी खबर सुनाओ। अब तुम्हारे लिए हर खबर पूरी होगी। अरे हयात, तुम जैसी लड़की को जेब नहीं देता ऐसी उल्टी बातें करना। तुमने ये बॉक्स मेरे कमरे में कैसे पहुंचाया, बस इतना बताओ। ये सब कैसे किया और क्यों? काश मैं अपने हाथों से देता ये तुम्हें।
हमेशा याद रखना, खुदा की लाठी बे आवाज होती है। तुम हमें हमारी जिंदगी सुकून से क्यों नहीं जीने देते? आखिर चाहते क्या हो तुम? सुनो, कहते हैं मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है, ये बिल्कुल सच है। हाँ, कम से कम इज्जत तो मिल सकती है तुम्हें इस तरह से, है ना? तुम्हारी दी हुई इज्जत नहीं चाहिए, क्यों नहीं समझते? किससे बात कर रही थी तुम? वो फोन दिखाओ मुझे। अब तोहफा कबूल कर लो ना, सारी बात तो सामने आ चुकी है, छुपाना कैसा? कहाँ जा रही हो हयात, कहाँ जा रही हो तुम? अब तुम छुप क्यों रही हो? क्यों छुप रही हो मुझसे? ताकि तुम्हें मेरा सामना ना करना पड़े? तुम चाहती तो सब मुझे बता देती, लेकिन तुमने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। या अल्लाह मेरी मदद कर, कैसे समझाऊं इसे अपनी बात? हयात, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो मुझे। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जरूर है जो तुम मुझसे बात नहीं कर रही। ठीक है, बाहर तो आओगी ना, सारी रात अंदर तो नहीं बैठोगी ना? ये क्यों नहीं समझ रहा कि मैं इसे नहीं बता सकती? दुख पहुंचेगा इसे। तुम लोग आपस में बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हयात ने अभी तक मुझे कोई वजाहत नहीं दी। कितनी बार कहूं, वो बॉक्स मेरा नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सुबह से तुम दोनों का यही मसला चल रहा है, आखिर हुआ क्या है तुम दोनों में? तो फिर वो गिफ्ट कमरे में आया कैसे, बताओ? औरिया इधर आओ, इनके कमरे से इन्हें एक बॉक्स मिला है, वो उनके कमरे में कैसे पहुंचा? पता नहीं, जब मैं हयात मैडम के कपड़े रख रही थी तो वो बॉक्स इनकी अलमारी से ही गिरा था और मैंने उठाकर रख दिया। इससे आगे मैं नहीं सुन सकता। दादी जान, मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानती कि वो बॉक्स मेरे रूम तक कैसे पहुँचा। ठीक है बेटा, मुझे एतबार है, मगर सोचने वाली बात तो है ना, वो वहाँ कैसे पहुँचा? हो सकता है ये गजल ने किया, वो कुछ भी कर सकती है, आप लोग देख तो रहे। सही कहा, वो भी कर सकती है। मेरा नाश्ता हो गया। क्या ढूंढ रहे हो यहाँ? शायद कुछ और सच मिल जाए। सच अगर सुनना है तो तुम मेरी जुबान से सुनो। हिम्मत है बोलने की? देखो, मुझे लगता है ये बॉक्स गजल ने रखा है, वो हमेशा कोशिश करती है तुम्हारे और मेरे बीच आने की। ओके, अगर ऐसा है, कोई सबूत है तुम्हारे पास इसका? नहीं होगा। तो फिर ठीक है, बात खत्म। इस वक्त मैं तुमसे जितना भी सच कह लूं तुम्हें झूठ ही लगेगा, क्योंकि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा। कहां जा रही हो तुम? और हाँ, जब भी सच तुम्हें पता चलेगा तुम बहुत पछताओगे।